फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। मैं आज आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत छोटी सी कॉमन रेसिपी है, तो सब जानते होंगे उसको। वो है चटनी। तो टमाटर की चटनी मैं किस तरह बनाती हूँ? ग्राइंडर मिक्सर में नहीं पीसती हूँ, मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ। तो आइए देखते हैं, मम्मी मेरी वैसे बनाती हैं बिल्कुल अलग तरीके से, तो मैं आपसे वही शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कि मैं चटनी यानी टमाटर की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने चटनी बनाने के लिए इतने सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अदरक है और लहसुन है, प्याज, टमाटर और मिर्च मैंने ज़्यादा ही लिए, क्योंकि बाबू को तो खिलाना नहीं है, हम ही को खाना है। तो चटनी तीखी हो तो और अच्छा लगता है। और लहसुन की कलियाँ मैंने छीली नहीं है, लहसुन के छिलके समेत हमने लहसुन लिए, लेकिन थोड़ा साफ़ सुथरा लहसुन ही लेना चाहिए। तो अब मैं इन सबको एक कटोरी में ले लूँगी। ये मैंने मिर्च ले ली है और लहसुन ले लिए हैं, टमाटर के पीसेस कर दिए हैं और प्याज ले लिए। प्याज सिर्फ मैंने छोटा आधा प्याज लिया था, ज़्यादा नहीं। अब मैं इनको ले जाके सिलबट्टे पे पीस लूँगी। अब मैं इसमें से लहसुन को जो है उसको मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि मैं लहसुन को बाद में पीसूँगी। लहसुन बारीक नहीं पीसूँगी, दरदरा पीसूँगी। मम्मी भी मेरी ऐसे ही करती, कोई सी भी चटनी बनाती हैं खटाई की या धनिया टमाटर की या ऐसे टमाटर की चटनी, तो उसको लहसुन को अलग ही। तो मैंने बाकियों को भी दरदरा पीस लिया है और नमक भी मैंने डाल दिया है। अब इनको भी मैं बारीक कर लूँगी, फिर एंड में मैं लहसुन पीसूँगी। अब मैं लहसुन को पीसती हूँ। तो ये हमारी चटनी अब रेडी है।